हाय फ्रेंड्स, हाय ब्यूटीफुल वाइब्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेबीज का पॉटी ट्रेनिंग। अगर सुनने में ये बहुत इजी लगता है, पर नॉट ए मैटर ऑफ जोक, क्योंकि अलग अलग बेबी का जो साइन होता है पॉटी का, ये एकदम सिंपली अलग होता है। इवन ये भी होता है कि अगर घर में तीनों बच्चे हों, तीनों बच्चे एक ही मॉमीज का है, बट उन लोगों का जो साइनिंग वो डिफरेंट होता है। सो आज मैं इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आई होप आप सब लोगों को बहुत बहुत पसंद आएंगे एंड बहुत यूजफुल भी रहेगा। अगर यूजफुल लगे तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बोलिए आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगे हैं। सो चलिए अब डिस्कशन में जाते हैं। तो पॉटी ट्रेनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बोला साइनिंग, तो डिफरेंट बेबी का जो साइनिंग होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा वो कब साइनिंग दे रहे हो। सेकेंड ऑफ ऑल है बच्चों को हेल्प करना। हेल्प कैसे? बच्चा जो होता है वो जल्दी सब कुछ से बोर हो जाता है। अगर आप डेली उसको जो बेबीज लोगों का पॉटी होता है उस पर बिठाते हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्ट नहीं फील करेगा। वो उठना चाहेगा, रोएगा, इरिटेटिंग होगा, तो बहुत ये सब आपके साथ होगा। पर आप इरिटेटिंग होकर छोड़ मत दीजिए। कोई भी चीज़ बच्चों के साथ अगर करना चाहते हैं तो उसको 15 डेज तक वो चीज़ कंटिन्यू करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले दिन ही हो जाएंगे, पहले दिन ही वो पॉटी करेंगे बैठ के, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि वो इवन ये भी होता है 15 डेज तक आप कर रहे आप ट्राई कर रहे हैं बट वो नहीं कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं, बहुत इटिंग दिखा रहे हैं, बोर हो उठ जा रहे हैं। सो आप ट्राई करिए, देखिए अगर 15 डेज के अंदर वो एक दिन भी करे तो आप उसका सक्सेस मनाइए। क्योंकि बच्चे को एक दिन भी कर ले तो बहुत है। जैसे खाना, वो एक दिन भी ठीक तरह से खाते तो मॉमीज डैडीज समझते कि बहुत कुछ हम लोग विन कर लिया। सो थर्ड ऑफ ऑल है क्या, बच्चों को मेरा जो डॉक्टर थे तो उन्होंने बोला था कि बच्चों जब कोई भी चीज़ खाते हैं, अगर वो दूध भी पिए तो आफ्टर 10 मिनट्स उसका एक प्रेशर आता है। तो इवन सब बच्चों के लिए, मेरे बच्चों का ये होता है, मेरे बेबीज जो है उसका होता है, अभी वो 9 मंथ के हैं तो उसको ये प्रेशर आता है। तो 15 डेज तक आप बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग दीजिए, उसको पॉटी में बिठाइए और आफ्टर 10 मिनट्स खाने के बाद, आफ्टर 10 मिनट्स आप उसको बिठा के देखिए वो पॉटी कर रहे या नहीं। तो आप मम्मीज और डैडीज जो भी है ये अपने आप ही समझ जाएंगे वो क्या साइनिंग दे रहे हैं। कोई के बच्चा मुंह फुला लेते हैं, कोई बच्चा फट करते रहते हैं, ये कॉमन है। फट करना बच्चों का कॉमन है, इसमें हम लोग ज़्यादातर बच्चे यही साइनिंग देते हैं। कुछ कुछ बच्चे डांस करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चा मुंह फुला लेते हैं, कुछ बच्चा क्राइंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ आंखों से इशारा करते हैं, कोई पैर को ऊपर कर लेते हैं, कोई उलट पुलट करते। तो डिफरेंट डिफरेंट साइनिंग है, तो आप लोग वो देख के उसको आप लोग अच्छे तरह से उसको ऑब्जर्व कीजिए। ये सबसे बड़ा जो टिप्स है मेरा वो है आप ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन पावर जो मम्मीज डैडीज का बहुत रहना चाहिए पॉटी ट्रेनिंग देने में। ये जो मैं पूरा टिप्स दे रही हूँ ये मेरा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रही हूँ। कोई नहीं बोला मुझे, मैंने बोला ना पॉटी ट्रेनिंग जो होता है वो कभी कोई किसी को बोल के कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, ये करिए, तो इसमें कोई हेल्प नहीं होता है। हेल्प जो आप अपने हेल्प भी अपने ही करेंगे। सो आप ये 15 डेज तक करके देखिए, आई होप आपको बहुत काम आएंगे ये टॉपिक। जो चीज़ है वो है आप उसको समझे। अगर वो बाथरूम में पॉटी में, मतलब वॉशरूम के जो पॉटी होता है बड़ों के, उसमें बैठे तो आप एक काम कीजिए, आप उसको छोड़ के कोई काम में मत जाइए। तो आप उसके सामने खड़ा होके थोड़ी सी टॉयज लेके, मुंह फुला के कुछ बातें कीजिए, कुछ दिखाइए कि बाथरूम में ये है, देखो शावर है, पानी गिर रहा है, कुछ भी उसके साथ इंजॉय करिए। उसके वो इंजॉयमेंट में बहुत खुश हो जाता है, तो खुश होके वो बैठे रहेंगे। मैंने किया है ये, मेरे बच्चे जब पहले नहीं बैठते थे, मैं बेल्कोनी में उसको लेके पॉटी में बिठाती थी, तो बेल्कोनी में वो गाड़ी जो जा रहे हैं वो देख रहे हैं, मैं बहुत बातें
करती थी, गाना गाते वो क्लैप करते हैं, क्लैप करना भी सीखा है वो, तो क्लैप करते हैं। तो ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैं उसको सीख गया। अभी वो जो इशारा करते हैं वो मैं समझ गया, वो आफ्टर मॉर्निंग में बेड छोड़ने के बाद ही वो पॉटी के लिए बैठा, मैं तो बैठा देती हूँ, अभी वो एक्सेप्ट कर लिए। तो वही बोल रही हूँ कि आप डेली कीजिए, ये डेली करते करते एक टाइम में वो टाइम को वो एक्सेप्ट कर लेगा एंड वो टाइम में पॉटी करेगा। ये बात नहीं कि वो मॉर्निंग में कर लिया और नहीं करेंगे, वो कभी उसका प्रेशर आ सकते। बच्चों लोगों को क्या होता है, उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइम में वो तो ठीक तरह से करता नहीं, जो बच्चे ठीक तरह से करते नहीं वो उसको प्रेशर बहुत बार आते हैं। तो वो रात, इवन सब बच्चों को रात में करने का एक टाइप होता है, तो उसको आप रात में सोने से पहले उसको नैपी पहनाने से पहले आप उसको गुनगुना पानी खिला दीजिए। मत वो 9 मंथ के ऊपर अगर बच्चा हो तो ये कीजिए। मैं तो अभी मेरा बच्चा 9 मंथ के हो गए, तो वो अभी जब उठता है उसको बेड छोड़ने के बाद ही उसको थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी पिला देती हूँ, तो उससे वो उसका जो सिस्टम क्लियर हो जाता है एंड वो बहुत हैप्पी सारा दिन रहते हैं। सो ये मेरा आज का टिप्स था, आई होप ये बहुत यूजफुल रहेगा। ये तो मेरा तो बहुत प्रॉब्लम होती है इसके बारे में, तो मैंने बहुत से डॉक्टर्स से पूछा, बट ये कोई भी टिप्स मुझे काम नहीं आया। टिप्स काम में आया तो मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन पावर वही। सो मेरा चैनल आप लोग सब लोगों को अगर यूजफुल लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करके बताइए कि ये पॉटी ट्रेनिंग वाला वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगे। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग माई चैनल वाइव्स डायरी।